डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते स्टार्ट करते हैं क्लास 12th के लिए सब्जेक्ट फिजिक्स को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे जानते हैं, अभी हम लोग प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर पढ़ रहे हैं। चलिए एक नए टॉपिक्स का आज शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ अनुप्रयोग। तो टॉपिक लिखा जाए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ अनुप्रयोग। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ अनुप्रयोग, ठीक है, ये हम लोगों का टॉपिक्स है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ अनुप्रयोग, ठीक है। तो सबसे पहले पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ प्रयोग अनुप्रयोग में हम लोग कौन कौन से अनुप्रयोग है पहले उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए लिखा जाए, फर्स्ट एरो देकर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ अनुप्रयोग। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ अनुप्रयोग निम्नलिखित है। कुछ अनुप्रयोग निम्नलिखित है। पहला पहला मरीचिका मरीचिका, दूसरा दूसरा प्रिज्म, तीसरा हीरा, ठीक है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ अनुप्रयोग, अच्छा चौथा भी है एक ठो लिख लिया जाए, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेंगे। ऑप्टिकल फाइबर, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में तो हम लोग पढ़े हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, ठीक है। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में हम लोग पढ़े, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ये हम लोग प्रयोग है। अनुप्रयोग का मतलब उसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, किसका प्रयोग भाई, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का जो प्रयोग होता है वो निम्नलिखित चार जगहों पे होता है। पहला है मरीचिका। अब आपको पता नहीं चल रहा होगा सर मरीचिका का मतलब क्या हुआ, बताते हैं जस्ट वेट। फिर है दूसरा प्रिज्म, तीसरा है हीरा और चौथा है ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। हम लोग चारों के बारे में डीपली पढ़ेंगे कि आखिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन का प्रयोग इन चारों में कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मरीचिका के बारे में पढ़ते हैं। तो अब टॉपिक दिया जाए मरीचिका, ठीक है। मरीचिका को समझने से पहले जितने भी इसमें पॉइंट्स बनते हैं पहले उसको लिख लिया जाए। लिखा जाए सबसे फर्स्ट एरो में, मरीचिका प्रायः गर्म स्थान जैसे मरुस्थल से संबंधित है। मरुस्थल से संबंधित है, फिर से लिखवा देते हैं इस फर्स्ट एरो को, मरीचिका प्रायः गर्म स्थान जैसे जैसे मरुस्थल से संबंधित है। पूर्ण विराम, मरुस्थल में यात्री अपने से आगे थोड़ी दूर पर पानी की एक परत जैसा देखता है। पानी की एक परत जैसा देखता है, परंतु वह उसके पास कभी नहीं पहुंचता है। परंतु वह उसके पास कभी नहीं पहुंचता है,
क्योंकि यह प्रकाशीय भ्रम है, क्योंकि यह प्रकाशीय भ्रम है। चलिए सबसे पहले मरीचिका के बारे में हम लोग सीखे कि आखिर मरीचिका किसको कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मरीचिका जो है वहीं बनता है, वहीं पाया जाता है जहाँ पे गर्म स्थान है। और गर्म स्थान कहाँ मिलेगा? जहाँ पे सिर्फ बालू ही बालू है, जिसको रेगिस्तान कहते हैं, ठीक है, जिसमें ऊँट चलते हैं। ऊँटों का जहाज रेगिस्तान को ही कहा जाता है, या फिर रेगिस्तान का जहाज ऊँट को कहते हैं, है ना। तो मरीचिका के बारे में अगर कोई पूछेगा कि मरीचिका क्या है, तो मरीचिका जो है हमेशा गर्म स्थान पे बनता है, और ये गर्म स्थान को हम लोग क्या बोलेंगे? रेगिस्तान, ठीक है, जहाँ पे बालू ही बालू है वहाँ पे मरीचिका बनता है। अब जहाँ पे बालू ही बालू है यानी कि रेगिस्तान है, यदि आप यात्रा कर रहे हो, पूरा एकदम रेगिस्तान है जहाँ पे बालू ही बालू है और पूरा गर्मी का दिन है, तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आपसे थोड़ी दूर आगे एकदम पानी का एकदम गड्ढा तालाब है, पानी का एक परत है, वहाँ पे पहुँच जाएंगे ना हम, अपना प्यास बुझा लेंगे। लेकिन उस स्थान पे जैसे ही आगे चलते हैं तो फिर लगता है कि नहीं, और थोड़ा सा दूर है और हमको और चलना चाहिए। तो दोस्तों, एक जंतु रेगिस्तान में जहाँ पे पानी मिलता ही नहीं है, इसी भ्रम में वो अपना जान जो है त्याग देता है, यानी कि एक्चुअली रेगिस्तान में ही ऐसा होता है। और यह एक प्रकाशीय भ्रम है, यह एक भूल है, प्रकाशीय भूल है, ऐसा आपको प्रतीत होगा। और वही नहीं दोस्तों, वहाँ पे जो पानी का लेयर प्राप्त होता है ना, वहाँ पे अगल बगल जो झाड़ी है, पेड़ पौधे होते हैं का दो ठो, उनका प्रतिबिंब भी बनता है उस जगह पे। तो आपको और कन्फर्म याद हो जाता है, लगता है कि सच में वहाँ पे कोई पानी है और हमको उस स्थान पे जाना चाहिए। लेकिन जैसे उस स्थान पे पहुँचते हैं तो आपको पता चलता है कि और थोड़ा सा दूर आगे में पानी का तालाब है, और जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो वो भी नहीं होता है। तो कुल मिलाकर मरीचिका का मतलब एक प्रकाशीय भ्रम है, और जैसे ही उस स्थान तक आप पहुंचते हैं पानी का लेयर नहीं नहीं पता चलता है। ये किसके वजह से होता है? तो गर्म के वजह से, यानी कि रेगिस्तान में जो रेत होते हैं बिल्कुल गर्म हो जाते हैं, और कोई भी यात्री अगर इन गर्म स्थानों में या रेगिस्तान में अगर भ्रमण करता है तो उनको ऐसा ही प्रतीत होता है कि कुछ दूर आगे पानी का एक तालाब है, लेकिन वहाँ पे पहुँचते हैं तो मिलता नहीं है। तो चलिए अब कुछ नेक्स्ट पॉइंट लिखा जाए, और याद रखिएगा मरीचिका एक तरह का क्या है? भ्रम है, भूल है, प्रकाशीय भ्रम है। सेकेंड रूम में, गर्मी के दिनों में मरुस्थल में, गर्मी के दिनों में मरुस्थल में वायु के नीचे वाला भाग, वायु के नीचे वाला भाग गर्म बालू के कारण, गर्म बालू के कारण अधिक गर्म हो जाता है, अधिक गर्म हो जाता है, इसके कारण के कारण गर्म वायु का घनत्व कम हो जाता है, गर्म वायु का घनत्व कम हो जाता है, और वे अधिक तीव्र गति से, अत्यधिक तीव्र गति से गमन करके गमन करके पृथ्वी के ऊपर की वायु,
पृथ्वी के ऊपर की वायु। के साथ मिलने लगते हैं। पूर्ण विराम। अंत में एक ऐसी स्थिति आती है, अंत में एक ऐसी स्थिति आती है जब प्रकाश किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने लगता है, जब प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने लगता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने लगता है। इसी घटना पर आधारित मरीचिका का अनुभव किया जाता है। इसी घटना पर आधारित मरीचिका का अनुभव किया जाता है। चलिए, यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे कि एक्चुअली होता क्यों है मरीचिका। तो रेगिस्तान में चूंकि बालू रेत ही रेत होते हैं, तो वहाँ पे जो पृथ्वी से सटा हुआ जो बालू होता है अत्यधिक गर्म हो जाता है, और अरे अत्यधिक मोबाइल पर जिसको सो रहा है, गर्म हो जाता है आए तो बाहर वहाँ टीवी पे पर। वायु का जो घनत्व है वो कम हो जाता है। किसका वायु कम हो जाता है? जो पृथ्वी के सटा हुआ बालू होता है वो ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिसके वजह से उसका घनत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो याद रखिएगा कि जिस बालू का घनत्व, जिस वायु का घनत्व कम होता है वो ज़्यादा तीव्र गति से चलने लगते हैं, और तीव्र गति से कहाँ जाते हैं? तो ऊपर उठने लगते हैं। ठीक है, तो तीव्र गति से ऊपर गमन करने लगते हैं। तो याद रखिएगा कि अगर मान लिया कि अगर उस रेगिस्तान में कोई अगर झाड़ी है या फिर कोई अगर पेड़ है, तो उसका जो इमेज भी, उसका प्रतिबिंब भी हमको प्राप्त होने लगता है। इट मीन्स कि ऐसे ये भी हम फिगर बना देना चाहते हैं, क्योंकि ये भी अनुभव हो रहा है कि हम लोगों को क्या है, कुछ दूर पानी का तालाब है लेकिन वहाँ पे कुछ होता नहीं। जैसे मान लिया कि एक झाड़ी है और यहाँ पे उसका प्रतिबिंब भी बनने लगता है। ठीक है, यहाँ पे ये हम लोगों का क्या है, उसका प्रतिबिंब है जो रेगिस्तान में कोई पौधा है। ये रेगिस्तान में अगर मेरा नेत्र यहाँ से अगर किसी भी वस्तु को देखते हैं, इट मीन्स तो सबसे पहले हम लोगों को ये नहीं दिखाई पड़ता, हम लोगों को दिखाई देता है। रियलिटी में तो ये है, ठीक है, रियलिटी में तो ये है, हम लोग देख इसको पा रहे हैं, लेकिन हम मेरा जो भ्रम है वो इस पे फैला रहा है। देख पा रहे होंगे, ये हम लोगों को भ्रम है। तो कुल मिलाकर हम लोग ये फिगर को भी ड्रॉ कर लेंगे। ये मरीचिका का फिगर है, यानी कि मरीचिका का मतलब एक तरीके का प्रकाशिक भ्रम। ठीक है, और ये एक्चुअली कहाँ अनुभव होता है? जहाँ पे गर्म स्थान है, जहाँ पे बालू ही बालू है, जहाँ पे रेगिस्तान है, वहाँ पे मरीचिका का अनुभव होता है। याद रखिएगा, मरीचिका का अनुभव क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अगर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा तो हम लोगों का जो घटना मौजूद होगा, पता चलेगा, वो है मरीचिका। ठीक है, तो दोस्तों मरीचिका के बारे में हम लोग मैंने पढ़ा, फिर अगले क्लास में नेक्स्ट प्रिज्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।